हे गाइस, गुड इवनिंग। आज ऐसे ही मन किया, थोड़ा सा टाइम मिल गया मुझे, तो मैंने कहा चलो लाइव आ जाते हैं। शायद K95 मास्क के अंदर आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ नहीं रही होगी, अब शायद आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर अच्छे से आ जाए। हेलो हेलो, हाय 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 हाय। सो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर राइट नाउ लाइव विथ मी। हर्ष बाबू वॉन्ट्स टू बी लाइव। ओके, बेसिकली अभी मैं आया हूँ भाई तुषित यादव के लिए, तो तुषित की बहुत हाईली रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज 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 आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑन लाइव। तो अभी तुषित आ जाए, तब तक के लिए देखें किसका किसका रिक्वेस्ट है। तिया ऑफिशियली ओके सो ज्वाइन करती हैं हमें, तब तक हम बातें कर लेते हैं। तो आज कभी कभी वैसे टाइम मिलता है, थोड़ा सा कैमरा ब्लर आ रहा होगा क्योंकि मेरे आईफोन का सामने कैमरे के ऊपर का जो क्या बोलते हैं जो गार्ड है वो थोड़ा सा टूट गया है। आई थिंक टिया ज्वाइन कर चुकी हैं या कर चुके हैं। हेलो, सो बेसिकली आज ऑनलाइन आने का विषय है हेयर फॉल प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों के डॉग्स को हेयर फॉल के इश्यूज हो गए हैं, ठीक है, तो वो कैसे ठीक होगा आज इसके विषय पे हम चर्चा करेंगे कि हेयर फॉल ट्रीटमेंट कैसे होता है। हेयर फॉल का सबसे मेन कारण है मिठाई खिलाना। अगर आप मीठा खिला रहे हैं डॉग को कंटिन्यूअसली, चाहे केक, डॉग फूड, सॉरी पेस्ट्री, टॉफी, इन सारी चीजों के रूप में, तो जरूर 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 से उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी होगी। इफ एनीबडी वांट टू जॉइन माय लाइव देन दे कैन सेंड रिक्वेस्ट। ओके ओके, सॉरी फॉर डिले। सो बेसिकली हेयर फॉल होने के तीन चार प्रमुख कारण है। रोज रोज डॉग को नहलाना, डेली डेली उनको कॉम्बिंग ना करना या ब्रशिंग ना करना, ठीक है। दूसरा, कोई भी कभी केक खिला देना, बिस्किट खिला देना, पेस्ट्री खिला देना, टॉफी खिला देना, ये सारी चीजें आप खिलाएंगे तो आपके डॉग का हेयर फॉल होगा। अच्छा, अब अगर आपके डॉग का हेयर फॉल कंटिन्यूअसली हो रहा है तो आप कैसे अपने डॉग को हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बचाएंगे? तो उसके लिए बहुत अच्छे से मार्केट में सिरप्स अवेलेबल है। मैं दो चार सिरप्स के नाम आपको बताने जा रहा हूं, पेन पेपर लेके नोट कर लीजिए। हेयर फॉल में रामबाण तरीके से ये सिरप काम करते हैं। पहला, वेंकीज ब्रांड का ग्लॉसी कोट सिरप। आप किसी भी पपी को 3 से 4 ml सुबह, 3 से 4 ml शाम दीजिए। एडल्ट डॉग को 10 से 12 ml सुबह शाम दीजिए। ये सारे सिरप्स का डोज यही रहने वाला है। दूसरा, न्यूट्रिक कोट, इसका भी डोज यही है, ये पेट केयर ब्रांड का आता है। तीसरा सिरप है हिमालय का फरग्लो। चौथा सिरप है बीफर का ग्लॉसीफर। चौथा सिरप है मीडियोलॉजी का ग्लोमैक्स। पांचवा जो सिरप का नाम है दैट इज न्यूट्रिकोट हो गया, ग्लॉसीकोट हो गया, पैराकोट आता है, एक पैराकोट एडवांस आता है जिनमें स्किन प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रिकोट एडवांस भी इसीलिए आता है, और ओमेगा 3 ओमेगा 6 के भी सिरप्स आते हैं मार्केट में। बट याद रखें, जब भी आप लें अच्छे ब्रांड का लें। वर्बैक कंपनी का वीटा बेस्ड आता है, वो भी बहुत अच्छा सिरप है हेयर फॉल रोकने के लिए। सो वीटा बेस्ड जिसको यूज करना है वीटा बेस्ड यूज कर सकता है। और आजकल और बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं हेयर फॉल के अलावा कि सर मेरे डॉग की पॉटी बहुत ज्यादा स्मेल कर रही है जब वो पॉटी करता है। तो सबसे पहला जवाब है मिस्टर परफेक्ट, लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई साधना, लव यू, लव यू, नमस्ते नमस्ते, हाय हेलो नमस्ते। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, ये अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली पॉटी कर रहा है और उसमें स्मेल आ रही है, तो भाई सूंघ हो मत, ठीक है, सूंघने की जरूरत नहीं है आप पॉटी अगर डॉग कर रहा है। दूसरा, अगर पॉटी आपका डॉग कर रहा है और उसमें स्मेल आ रही है, तो आप देखिए कुछ ना कुछ आप ऐसी चीजें खा रहे होंगे जिसकी वजह से आपके डॉग के स्टूल में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, आप अपने डॉग को खिला रहे होंगे। कुछ कुछ बातें मेरे जबान से टंग स्लिप कर जाएंगी अभी, बिकॉज अभी लाइव पे रहते रहते मुझे 4-5 चीजों का ध्यान रखना है। इधर सफाई चल रही है, इधर टेलीकॉलिंग टीम काम कर रही है, इधर कुछ डैमेजेस निकल रहे हैं,
तो हो सकता है एक दो चीजें गलत बोल दूं, बट ठीक है आप लोग पूछ लेना अगर कुछ गलत बोल दूंगा तो सबसे बड़ी चीज ड्रूल्स का, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देते हैं अपने डॉग्स को तो उनके पॉटी से बहुत ज्यादा दुर्गंध आएगी, बहुत ज्यादा स्मेल आएगी। आप अपना मास्क लगा दीजिए, लगा लीजिए ठीक है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आज के सिनेरियो में, क्योंकि ठंड आ रहा है तो जब भी वेदर चेंज होता है गाइस, तो जब जब वेदर चेंज होगा तब तब डॉग का हेयर फॉल होगा, तब तब डॉग शेडिंग करेंगे और तब तक बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होगी। तो अभी हम आपको कुछ ऐसे किट्स दिखाने जा रहे हैं जो आपके घरों में होने चाहिए, कुछ कॉम्ब हम दिखाएंगे और कुछ दिखाएंगे क्लिकर्स, कुछ ब्रशेस हम आपको दिखाएंगे, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हम आपको दिखाने और बताने वाले हैं जिनको घर में रखने से आपके डॉग में हेयर फॉल के इश्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले ये देखिए स्लिकर है, मार्केट में बहुत आराम से आपको ये 250, 300, 400, 450 रुपए में मिल जाता है, ठीक है। 200 रुपए से बेसिकली ये स्टार्ट होते हैं, तो छोटे बड़े कई साइजेस के होते हैं। आप ये देखिए, इससे क्या करना, आपको ब्रश करना है डॉग को, कॉम्बिंग करनी है प्रॉपर, ऐसे ऐसे करके कॉम्बिंग करनी है। कॉम्बिंग करने के बाद जितने वेस्ट हेयर होंगे गाइस वो इसके अंदर आ जाएंगे। वेस्ट हेयर जब इसमें आ जाएंगे तो पीछे एक देखिए ये बटन दिया हुआ, दैट इज पुश बटन। इसको आप ऐसे जब करते हो आगे की ओर तो ये देखिए ये फंक्शन ऐसे काम करता है, ये आगे हो गया और यहां से सारे बालों को आप ऐसे उंगली से गिरा देंगे। इससे दो फायदे होंगे, क्योंकि इसके ब्रिसल्स रबर के होते हैं तो डॉग का एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा हो जाएगा, मसाज भी हो जाएगा काइंड ऑफ अगर आप डेली करते हो तो। दूसरा, वेस्ट हेयर के साथ साथ अगर टिक्स हैं और ऊपर के बालों में है तो उन बालों के साथ वो भी आ जाते हैं, तो एक बार ब्रशिंग करने के बाद जब आप इसको ऐसे करते हो तो वो भी पूरे चीजें निकल जाती है। ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपके घर में होना ही चाहिए। अगर आप बड़े बालों वाला डॉग रखते हैं लाइक सेन बना, शिट्जू चुवावा, पग, पॉमरेनियन, नॉट पग, शिट्जू, पॉमरेनियन, लासा एप्सो, सेन बनाट, गोल्डन रिट्रीवर, मैंने बोला मेरा दिमाग चार जगह है तो कुछ कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, मैनेज कर लेना गाइज आज, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट ये। दूसरा हमारे पास है डॉग ब्रश। अब ये 2-in-1 ब्रश है, आप इधर से डॉग को क्लीन कर सकते हैं ब्रशिंग कर करके कर करके कर करके। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ब्रशिंग करने के बाद आप अपने डॉग के बालों को सीधा कर सकते हो। इसमें देखिए ऐसे ब्रिसल्स हैं जो बेसिकली एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट में यूज होता है, राइट। तो ये ग्रेडियन ग्रेडियन नहीं, ग्रेडन, ग्रेडन मांग रहे होंगे, 40,000 का मेल, 35 की फीमेल, तो इसको आप यूज कर सकते हो। ये मार्केट में आपको 150, 200, 250 रुपए में बड़े आराम से मिल जाता है गाइस, छोटे बड़े स्मॉल मीडियम लार्ज कई साइजेस के में आते हैं ये। इसको भी आप, इसको हर डॉग वाला रख सकता है, चाहे लेब्राडोर रखा हो, चाहे सेन बनाट, चाहे कोई सा भी डॉग अगर उसने रखे हो तो। तीसरा ऐसे ये देखिए कॉम्ब आता है, इसमें एक कॉम्ब और होता है टिक कॉम्ब, एक ये है, ये नॉर्मल कॉम्ब है, इससे आप रेगुलर कॉम्बिंग कर सकते हैं। तो इससे बाल सीधे रहते हैं, उलझते नहीं है, गुच्छे नहीं बनते, और जब गुच्छे नहीं बनेंगे तो सुलझे हुए रहेंगे तो सुंदर दिखेंगे। ऐसा ही टिक कॉम्ब भी आता है स्टील का, बड़ा महीन होता है, उसको कॉम्बिंग करने के बाद, दैट इज नॉट कॉम्ब, दैट इज नेल कटर, इससे हेयर का क्या लेना देना है, ठीक है। उसमें टिक कॉम्ब होगा, वो निकालिए, वो भी दिखाता हूँ व्यूवर्स को। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये 150, 200, 250 रुपए में आता है अलग अलग साइजेस के हिसाब से, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें देखिए रबड़ के ब्रिसल्स हैं और इसको प्रॉपर आप ऐसे पकड़ के अपने डॉग को ऐसे ऐसे करके कॉम्बिंग करते हैं बहुत आराम से, तो आपके डॉग का बाल सीधा रहता है, उलझता नहीं है, सुलझा हुआ रहता है। तो ये थे कुछ चीजें जो हमें आपसे शेयर करनी थी। बेसिकली आज हम आए हुए थे बातें करने तुषित से, तुषित 10 बार रिक्वेस्ट करके खुद ही गायब हो गया। अच्छा, रिक्वेस्ट आए हुए हैं, कौन कौन है, चलिए तुषित आ गए हैं, बहुत सारे थे मैंने देखा नहीं, आई एम सॉरी गाइस, बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते थे, जब तक वो ज्वाइन होते हैं तब तक के लिए 1 मिनट देखो यार, कोई उसमें से फेंकना नहीं है, ठीक है, सारी चीजें होंगी। सो तुषित को क्लिक किया हुआ है, लेट्स सी वो कितनी देर में आते हैं। तो बेसिकली अभी के पेंडेमिक टाइम है ना यार, पपी का होना बहुत ही अपने आप में अच्छी बात है। हाय तुषित, हाउ आर यू, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। ठीक हूँ सर, आप कैसे हो मैं बहुत अच्छा हूँ यार। सर आप
लाइव कब आते हो सर? आप लाइव आया करो हर सैटरडे। आवाज नहीं आ रही तुषित आपकी, क्या करें? सर आप हर सैटरडे लाइव आया करो। हर सैटरडे लाइव आता हूँ, इधर दो तीन हफ्तों से थोड़ा सा काफी बिजी स्केड्यूल हो गया था तो लाइव आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बट अब हर सैटरडे संडे में लाइव आया करूंगा इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। हाँ बताइए, फोन पे आप कुछ कह रहे थे मेरे से। सर मैं ये कह रहा था कि पेपर चल रहे थे सर मेरे, इसलिए जो इंस्टाग्राम का पहला वाला लाइव था इसलिए मैं वो अटेंड नहीं कर पाया सर। कोई बात नहीं। अच्छा तुषित, आपके क्लास में आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सर मेरी क्लास में मेरे बेस्ट फ्रेंड तो 3 हैं। पूरे कितने स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स पूरी क्लास में 54। उनमें से कितने मुझे नहीं जानते हैं? सर 5-6 ही नहीं जानते होंगे। वैसे तो मैंने हर किसी को बता रखा है कि भैया कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने देखा था मई में, तभी से मैंने बता दिया था सबको। मतलब 5-6 नहीं जानते, बाकी मतलब 50 जानते होंगे, 54 में से 48-49 जानते हैं मुझे, राइट? यस सर। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स का मेरे पास कॉल आता है और वो भी मेरे चैनल को देखते हैं। आपको पता है अभिषेक है आपके क्लास में? यस सर। वो हमारे चैनल को देखता है। आपके क्लास में आनंद है? हाँ सर आनंद है। आनंद आपका फ्रेंड है, वो भी मुझे देखता है। प्रतीक आपके क्लास में है? प्रतीक बी में होगा सर, मुझे नहीं पता। आपके स्टैंडर्ड में, तो उसने बताया कि हम तुषित के फ्रेंड, तुषित के फ्रेंड, ठीक है। और गर्ल्स में कौन कौन सी फ्रेंड्स हैं आपकी? नहीं है। कोई नहीं है, तो पढ़ती तो है आपके साथ आपकी क्लासेस में। हाँ। आकांक्षा आपकी फ्रेंड है? आकांक्षा तो ट्यूशन में पढ़ती थी। तो गाइज मैं आपको बता दूं, तुषित इज अ बिग फैन ऑफ माइन, तो इसने अपने एक एक फ्रेंड को मेरे बारे में बता रखा है, सबको बता रखा है, सब कुछ बता रखा है, तो इसके बहुत सारे दोस्त अब मेरे भी दोस्त बन गए। तो एक दिन एक काम करेंगे, इस संडे एक काम करते हैं, तुषित अपने सारे फ्रेंड्स को बोलना कि चलो सौरभ भैया के साथ लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, राइट? ओके सर। चलो रखते हैं। सर दिवाली, सर दिवाली ऑफर में क्या पप्पीज कम प्राइस में मिलते हैं? 10% डिस्काउंट दिवाली ऑफर, नवरात्रि ऑफर में 10% की छूट है। आप अपने मामा पापा को बताना कि सौरभ भैया ने डिस्काउंट करके रखा है 10%। सर सर आप एक बार एक वीडियो बनाओ कि कौन से पप्पीज पे डिस्काउंट है। सारे पप्पीज पे डिस्काउंट है। ओके सर। सर पोमेरियन कितने का है? पोमेरियन 8,000 रुपीज की फीमेल है, 10,000 रुपीज का मेल है। ओके सर। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। तो गाइस ये थे तुषित, और देखते हैं कौन कौन लाइव आना चाहता है। सो दैट वाज अ क्यूट कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड तुषित यादव। तो तुषित की तरफ ऑल ओवर इंडिया में मेरे लाखों दोस्त हैं, छोटे 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 बच्चे हैं जिनको पपीज के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, जिनको पपीज रखना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत मजा आता है इन दोस्तों के साथ। देखिए 25-30-35 साल वाले 40 साल वाले तो बहुत सारे दोस्त है मेरे, बट जब ये आपके दोस्त बनते हैं ना 6 साल 5 साल 10 साल 8 साल 12 साल वाले बच्चे, तो इसका मजा ही कुछ और होता है। और मैं सीरियसली बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा मजा इन बच्चों के साथ बात करके आता है, इन बच्चों के कॉल अटेंड करके आता है, इनसे अपने लिए वो जो प्यार है वो मैं फील कर पा रहा होता हूँ, और ऐसा प्यार मुझे और किसी से भी नहीं मिलता। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग व्हाट यू डिड गाइस। और सिर्फ तुषित ही नहीं बल्कि इंडिया के मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स के बच्चे मुझे जानते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार बच्चा बच्चा जानता है आपके भाई को। ये आपके प्यार का ही नतीजा है, आप सबके सपोर्ट का ही नतीजा है। तो गाइस जैसे आपने यूट्यूब पे प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, इंस्टाग्राम पे भी प्यार दीजिए, और फॉलोअर्स कुछ 5-6 हजार मजा नहीं आ रहे गाइस, जल्दी जल्दी से दिवाली तक 10,000 फॉलोअर्स करवाइए, और आप सबके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा 10,000 फॉलोअर होने के बाद ही। दो चार पांच लोगों के नाम ले लेता हूँ। मोहित राजपूत, हाय सौरभ भैया, हाय मोहित।
सोनकर कुनाल नाइस टूल थैंक यू सो मच. तुषित यादव हाय हाय हेलो. बीरन बाग लव यू सर लव यू टू. अश्मिता बैनर्जी लव यू. सौरभ थैंक यू मैम. अनीता श्रीवास्तव हाय हाय मैम. ओके सो दीक्षा हेलो हाय. बहुत सारे लोगों का सबका हाय हेलो हो गया. सो जब जब टाइम मिलता है थोड़े थोड़े टाइम के लिए मैं लाइव आ जाता हूँ. तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा. कुछ लोग और बहुत सारे लोगों ने वैसे रिक्वेस्ट भेजा है. लेट्स सी किसके साथ अभी लाइव आया जाए. चलिए शौर्य वर्धन राजपूत एक मिनट का और टाइम लेते हैं और शौर्य भाई से कुछ बातें करते हैं. जब तक शौर्य भाई जितने भी हार्ट्स आ रहे हैं जितने भी लाइक्स आ रहे हैं सबको बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू सो मच सारे लाइक्स सारे हार्ट्स के लिए. थोड़ा सा उनको टाइम लग रहा है अभी यहाँ पे काम भी थोड़ा सा ज्यादा है मुझे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड फेसबुक. एक छोटा सा पपी आपको दिखाता हूँ. बहुत खूबसूरत सा पपी आ गया सिद्धि का. सो राइट नाउ हमारे सामने सिद्धि है. सिद्धि हाय कर दीजिए. इंस्टा पे लाइव है बहुत सारे लोग. तो ये देखिए छोटा सा पपी है. इसका आज वैक्सीनेशन होना है तो अभी हम रखते हैं फिर. तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस. बने रहिए YouTube, Facebook, Instagram और हमारे Google अकाउंट पे. आप अपना प्यार देते रहिए. जय हिंद जय भारत. थैंक यू सो मच.